किडीज पैराडाइज स्कूल कोचर मार्केट में छोटे छोटे बच्चों ने अर्थ डे के मौके पर बहुत ही अनोखे ढंग से कार्यक्रम पेश किया। उन्होंने वेस्ट वस्तुओं से पोर्ट्स बनाए, बीज और पौधे उसमें लगाए और पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया। मिसेज इंद्रजीत कौर, डायरेक्टर किडीज पैराडाइज स्कूल। अज साडे स्कूल विच बच्चों ने अर्थ डे एक अनोखे ही ढंग नाल मनाया है। बच्चों नू अर्थ पोस्टर्स कलरिंग करने वास्ते दिते गए ते उन्हां दा इस कंपीटीशन दे विच उत्साह देखण वाला सी। बच्चों नू एक मैसेज भी दिता गया कि साडी धरती अनमोल है, रब दी नेचर दी दित्ती हुई एक एहो जिहा कीमती हीरा है जिसनू इंसान अज खुद बर्बाद कर रहा है। बच्चों नू धरती नू स्वर्ग बनाने दे बारे दस्या गया कि अगर असी अपने इस धरती नू ग्रीन बनाइए, प्लांटेशन करिए, पानी दी संभाल करिए, तां यही धरती साडे रहन योग स्वर्ग बन सकती है। बच्चे छोटे छोटे पॉट्स जिहड़े कि असी वेस्ट तों बनाए सी उहदे विच बच्चों ने अज सीड प्लांट्स किते, सीड्स बीजे और फिर असी बच्चों नू कहा है कि ये तुसी घर लै जाओ, हर रोज़ तुसी इस नू पानी दे के और देखना कि धरती दे विचों बीज किवें उपजदा है ते एक हरा भरा पौधा किवें निकलदा है। ये बच्चे भी साडे आने वाला भविष्य, असी इन्हां दे फंक्शन दे राही इस अर्थ दे राही ये सुनेहा देना चाहते हाँ कि ये धरती स्वर्ग है। दरख्तों का कटना बंद करिए, पानी की संभाल करिए, अपना आला दुआला साफ रखिए, प्लास्टिक नू थोड़ा जिहा पिछे कर दिए और अपने जो ग्रीनरी है उसनू कायम रखिए ताकि ऋषियां मुनियां की यह धरती फिर साडे सारयां दे लई रहन योग स्वर्ग बन जाए। इस मौके पर स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती इंद्रजीत कौर ने कहा कि हम सभी धरती को पोल्यूशन और वातावरण को खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए पर्यावरण के रखवाले बनकर हमें इसको संवारते रहने की योजनाएं बनानी चाहिए। वर्ल्ड अर्थ डे पर हैबोअल कला के रजेंद्रा मॉडल स्कूल के बच्चों ने एक बड़ी गिनती में ग्लोब बनाकर इस दिन को मनाया व पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। आपको पृथ्वी की ओर से एक संदेश देना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें जीवन दिया, तुमने मुझे दूषित किया। टूट जाऊंगी एक दिन मैं, फूट जाऊंगी एक दिन मैं। अब पहाड़ों को ना तोड़ो, दिशा नदियों की ना मोड़ो। मैं चेतावनी दे रही हूँ, मैं धरा हूँ रो रही हूँ। भार हूँ मैं सबका सहती, पर तुमसे कभी कुछ ना कहती। पर आज तुमसे कह रही हूँ, मैं धरा हूँ रो रही हूँ, मैं धरा हूँ रो रही हूँ। धन्यवाद। अज रजिंद्रा मॉडल स्कूल दे विच अर्थ डे जाने की भूमि दिवस मनाया जा रहा है जो कि पर्यावरण नाल जुड़िया होया। सानू भूमि नू बचाने वास्ते वध तो वध पौधे लाने चाहिए, जिस तरह की पोल्यूशन वध रहा है ते इहदे नाल पर्यावरण नू काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मैं तुहानू यही मैसेज देना चाहूँगा कि अज दे दिन असीं प्लांटेशन करिए और ग्रीन लुधियाना और ग्रीन वर्ल्ड बनाइए। सर, आज एनवायरमेंट डे पे बच्चों को हम अपने धरती को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, वातावरण को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, इसके लिए बच्चों को बताया गया था। और बच्चों ने जो है वो थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल से कैसे धरती को अपने साफ रख सकते हैं ग्लोब बनाकर तैयार किए हैं और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने पेंटिंग कॉम्पिटिशन के द्वारा जो है वातावरण को कैसे साफ रख सकते हैं उसके बारे में बच्चा। आज रजिंद्रा मॉडल स्कूल हैबोवाल कला में मेरे भाई रविनंदन शर्मा जी के नेतृत्व में और सोनिया शर्मा जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े लेवल पर वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया गया।
और मैंने जिंदगी में पहली बार इतने बच्चों को इतने ग्लोब्स इकट्ठे एक साथ बनाते देखा है। तो आप सभी से यही एक विनती है कि अगर इस डे की महत्व को आप लोग मनाना चाहते हो तो हर इंसान एक एक पेड़ जरूर लगाए। और मैं तो वैसे रूटीन में सभी से अपील करता हूँ कि अपने हर जन्मदिन पर अगर 4 पौधे ही फलदार आप लगा देते हो किसी भी पब्लिक प्लेस पे, तो आपके सारे ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे, जिंदगी भी संवर जाएगी और आपके कारण पर्यावरण और दुनिया वो भी बढ़िया बन जाएगी। धन्यवाद। इस मौके पर एनजीओ एशियन क्लब के एमडी ज्योतिषाचार्य सुखमिंदर जी, इंडियन आइडल एकेडमी के प्रमुख रविनंदन शर्मा, प्रदीप शर्मा व कांग्रेस नेता राजीव गुगलानी विशेष तौर पर उपस्थित थे। अतिथियों का धन्यवाद सोनिया शर्मा ने किया। वॉइस ऑफ एशियंस वंदना।